अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद विस्बा व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम स्पेशल चोंगी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और सबसे पहले मैदा ऐड करेंगे 2 कप के करीब। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब। 4 to 5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तो अभी आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और तो अभी थोड़ा गर्म पानी से आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद के एक साफ़ डो बना के रेडी कर लेना है। वन टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरीके से गूंद कर 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे, जब तक हम चाशनी बनाने के लिए तैयारी कर लेंगे। 1 कप शुगर ऐड करेंगे। पानी भी हमें सेम क्वांटिटी लेना है 1 कप। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करके गैस को फ्लेम को ऑन करके इसको रख देंगे। और देखिए शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इसको 4 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे। और देखिए आटा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये परफेक्ट डो बन के रेडी हुआ है। तो अभी इधर हम पेड़े बनाने के लिए इसको रेडी कर लेना है। और इसको इस तरीके से रोल कर लेना है एक लंबा सा। तो अब इसको कट लगा देंगे सेम एक ही साइज़ में, ताकि रोटी एक ही साइज़ की आए। तो अभी इसी तरीके से बनाकर हम एक प्लेट में रख देंगे इसको। और अभी इधर रोटियों को अच्छी तरीके से रोल कर लेना है। इधर एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर रोटी रख देंगे इस तरीके से। 1 टीस्पून घी इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और इसके ऊपर आटा छिनकेंगे सूखा आटा। और अभी इसको एक साइड में रख देंगे। तो फिर से अभी एक रोटी बना लेना है। इसी तरीके से हम सारे रोटी बना के एक के ऊपर एक रख के 5-6 रोटी बना लेना है इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम रोटियों को बेल कर एक के ऊपर एक इसी तरीके से रख लेना है। मैं इधर 6 से 7 रोटियों को इस तरीके से रख ली हूँ। तो अभी इसको हल्का सा बेल लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब घी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। और सूखा आटा छिनक देंगे फिर से। और इसको फिर से कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। तो अभी एक एक करके इसको रोल करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से एक प्लेट में इसको रख देंगे इसी तरीके से रेडी करके। तो अभी हल्का सा बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो 2-3 बार इसको इस तरीके से बेल के एक प्लेट में रख लेना है इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से रख लेंगे। तो अभी ऑयल को अच्छी तरीके से हीट कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमें एक एक करके इसको फ्राई कर लेंगे। और इसको दोनों तरफ से भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन आने के बाद अभी इसको हम निकाल देंगे। तो अभी ये रेडी है।
तो देखिए फ्रेंड, चाशनी भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम एक एक करके इसको अच्छे से डिप करके निकाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही डिप करके निकाल देंगे। तो अभी इसको एक प्लेट में रख देंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेट में रखकर खसखस डाल देंगे और सूखा नारियल ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इधर बारीक कटा हुआ बादाम डाल रही हूँ, आपका जो पसंद ड्राई फ्रूट्स है उसको डाल सकते हैं। तो अभी रेडी है मोहरम स्पेशल चोंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।